दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में शुक्रवार को स्नातक और परास्नातक कक्षाओं में दाखिले के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा के दूसरे दिन दोनों पालियों में 3,729 अभ्यर्थी शामिल हुए, जबकि 652 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। सुबह की पाली में बीएससी बायो व होम साइंस के लिए 4,064 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। दोपहर की पाली में आयोजित एमए इतिहास के लिए 367 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था और 32 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दिया है। 335 परीक्षा में शामिल हुए। इस बारे में विद्यार्थियों ने बताया कि पेपर आसान था, उम्मीद है विश्वविद्यालय में एडमिशन हो जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विद्यार्थी कुमुद, अनुपमा, ईशु पांडे, मानसी वर्मा, आंचल साहनी और अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, क्या उम्मीद लग रहा है? अब वो तो मतलब उम्मीद तो लग भी रहा है, नहीं भी लग रहा है, नहीं नहीं लग रहा है, सही गया, अच्छा था पेपर, अच्छा था। किस तरह पेपर हुआ? पेपर अच्छा हुआ है, वैसे एग्जाम भी मतलब हम लोग जो पढ़े 11 12th में वही सब था। क्या उम्मीद लग रहा है? अच्छा गया था तो हो ही जाएगा। आप पेपर किस तरह का हुआ? अच्छा हुआ था, आसान आया था थोड़ा। क्या उम्मीद लग रहा है? हो जाएगा।